the previous lecture, we were discussing about the Ohm's law. Now, in this lecture, we will discuss about the experimental verification. Experimental verification of Ohm's law. वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। पिछला जो क्लास था उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने डिस्कस किया ओम्स लॉ, मगर अब हमें क्या करना है, उसके वेरिफिकेशन, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन क्या है। ओम्स लॉ मैंने सिंपली बताया कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि मतलब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और V is equal to R I. यह है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए क्या किया उसने, उसने यही कंडक्टर लिया, सपोज अल्मोनियम वायर ली उसने, अल्मोनियम वायर को इसके दो एंड्स को इसने कनेक्ट किया एक सेल के साथ, एक सेल के उसका पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल है। यहां पे उसने क्या किया, यहां पे उसने एक एमीटर रखा, यहां पे उसने क्या किया दो एंड्स के दरमियान यहां पे उसने वोल्टिंग किया, क्योंकि ये कभी कभार ये क्वेश्चन आता है कि सर्किट से हम जब वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं वो कैसे कर रहे हैं, या एमीटर अगर हम सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे वो कैसे करेंगे। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज द सर्किट, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द सीरीज टू द सर्किट एंड दिस वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, टू द सर्किट। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या किया उसने, उसने एक तरफ उसने वोल्टेज दी, दूसरी तरफ उसने करंट दी। पहला जो एक्सपेरिमेंट उसने किया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या किया उसने, पहला एक्सपेरिमेंट जो किया इसमें, जिसमें इसमें सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर, पहला एक्सपेरिमेंट, सपोज उसने एक बैटरी ली, उसकी वोल्टेज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बैटरी वोल्टेज उसने 1 ली, सपोज एमीटर ने रेड रीडिंग दिखाई, 2 रीडिंग दिखाई, उसके लिए क्या किया उसने, उसके लिए उसने ग्राफ बनाया। सपोज यहां पे उसने वोल्टेज दी वाई एक्सिस के, यहां पे उसने करंट दी, यह है वोल्टेज। सपोज ये इसका वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसने, उसने पहले एक्सपेरिमेंट में उसने वोल्टेज नहीं कितनी 1, ये भी 1, और उस 1 वोल्ट पे एमीटर ने जो रीडिंग दिखाई वो उसने दिखाई 2 एम्पियर्स, यानी कि मतलब ये दो पॉइंट हमें कनेक्ट करने हैं, यहाँ पे ये पॉइंट्स है, यानी कि मतलब वोल्टेज जब हमने 1 वोल्ट ली या पोटेंशियल डिफरेंस, उस समय हमने एमीटर ने दिखाई रीडिंग 2 एम्पियर। फिर क्या किया उसने, फिर उसने दूसरा ये लिया, दूसरा एक्सपेरिमेंट, मगर उसमें क्या किया उसने, मटेरियल ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द वायर रिमेंस सेम, यानी कि मतलब अगर ये अल्मोनियम वायर है ये अल्मोनियम वायर ही रही, और टेम्परेचर दूसरे, अगर पहले एक्सपेरिमेंट सपोज टेम्परेचर 25 डिग्री था, दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी टेम्परेचर कितना 25 डिग्री, यानी कि मतलब 2 कंडीशंस, यानी मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर दैट रिमेंस कांस्टेंट, दैट रिमेंस सेम। दूसरे क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में सपोज उसने वोल्टेज, उसने 2 सेल्स को मिलाया और वोल्टेज हो गई 2, एमीटर ने यहाँ पे रीडिंग दिखाई 4, यहां पे ऐसे ये 2, ये हो गए यहां पे आ रहे,
इसी तरह उसने क्या किया, उसने तीसरा एक्सपेरिमेंट लिया, नंबर थ्री। सपोज उसने वोल्टेज यहां पे थ्री बढ़ाई, सपोज ये थ्री, यहां पे एमीटर ने रीडिंग दिखाई सिक्स, यानी कि मतलब वोल्टेज डबल करंट डबल, यानी कि मतलब आई वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये एक्सपेरिमेंट, ये है वो मसला, जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी हिसाब से करंट बढ़ेगी, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी हिसाब से करंट बढ़ेगी। फिर क्या किया उसने, ये मिला है यहां पे ऐसे, ये यहां पे आ गया। फिर क्या ये डॉट्स मिला के ये जो स्लोप बनाया, ये स्ट्रेट स्ट्रेट बनाया ऐसा, दिस इज वी बाय आई, ये प्लॉट। दिस वाज होल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ दिस ओम्स लॉ।